हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आज हम सावजी मसाला बनाने वाले हैं। ये सावजी मसाला नागपुर साइड में बहुत ही फेमस है। और ये सावजी मसाला की एक खास बात है, इसमें बहुत सारे खड़े मसालों का प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ही स्पाइसी होता है, लेकिन टेस्ट तो असम ही होता है। मैंने जब से ये मसाला ट्राई किया है, तब से मैं तो इसकी फैन हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आप भी घर में इजीली बनाकर एंजॉय करें। तो ये मसाला दो टाइप से बनता है। एक तो इसे आप फ्रेश बनाकर रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, या स्टोरेज वाला करके कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम स्टोरेज वाला सावजी मसाला बनाने वाले हैं। तो चलो ये स्टोरेज वाला सावजी मसाला कैसे बनता है देखते हैं। अभी तक आपने माय किचन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैंने यहाँ पर इस तरह से मसाले अलग से निकाल कर अच्छे से क्लीन करके रखे हैं। हम सबसे पहले कढ़ाई में यहाँ पर चना दाल डालेंगे। आप इसकी जगह पर रोस्टेड चना दाल भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम चावल डालेंगे। हमें ये सारी चीज़ें रोस्ट करते करते ऐड करनी है। दो मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें काली मिर्च और लौंग डालेंगे और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। फिर इसमें स्टारफुल और बड़ी यानी मसाला इलायची है, ये हम डाल देंगे। फिर इसमें हम हरी इलायची और दालचीनी है, इसको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे, तो ये रोस्ट होते समय अच्छे से रोस्ट हो जाती है। जावित्री डालेंगे, तेजपत्ता को इस तरह से तोड़ के डालेंगे। हम इस तरह से बड़े बड़े मसालों को इस तरह से तोड़ के डालते हैं तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। फिर इसमें हम शाहजीरा डालेंगे, आप यहाँ पर जीरा भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें बड़ी सौंफ, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना। फिर इसमें हम जायफल डालेंगे, तो जायफल को भी हमने इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड करना है। फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया, धनिया को भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। फिर इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, आप यहाँ पर ड्राई कोकोनट होता है उनको भी यहाँ पे ग्रेट करके या गैस पे रोस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर इसमें हम खसखस डालेंगे। फिर इसमें कसूरी मेथी और दगड़ फूल डालेंगे। पिंपली होती है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम लास्ट में सूखी लाल मिर्च डालेंगे। हम इसमें इस तरह से सूखी मिर्च को रोस्ट करते हैं, आप अलग से भी मिर्च को रोस्ट करके ले सकते हैं। अभी अच्छे से रोस्ट हुई है, अभी हमें बाजरे का आटे को भी रोस्ट करना है, तो आप इस पॉइंट पे बाजरे का आटा भी डाल सकते हैं, नहीं तो अलग से भी रोस्ट करके ले सकते हैं। तो मैं अलग से रोस्ट करके ले रही हूँ। तो इस तरह से हम इनको एक प्लेट में निकाल के फिर बाजरे का आटा डालकर इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बाजरे का आटा यूज़ किया है, आप ज्वार का आटा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर खड़ी बाजरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इनको अच्छे से रोस्ट करना है। इस तरह से अच्छे से रोस्ट होने के बाद हम इनको निकाल देंगे। अब ये सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हुए हैं, हम इनको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर मिक्सी में पेस्ट लेंगे। जो भी बड़े वाले मसाले हैं इनको हम इस तरह से हाथ से उनको छोटा छोटा कर देते हैं। फिर हम मिक्सी जार में ये थोड़ा थोड़ा करके मसाला लेकर इसमें थोड़ा सा नमक डालकर हम इनको पीस लेते हैं। नमक डालकर पीसते हैं तो ये मसाले अच्छे से पीसते हैं। इस तरह से ये पीस कर रेडी है।
अभी ये अच्छे से पीसने के बाद हम इनको एक चलनी में डालकर अच्छे से छान लेते हैं। जो भी पीसा नहीं होगा इनको हम दोबारा पीस लेंगे। ये छानने के बाद इस तरह से ये मसाला बनता है। तो इसमें हम खड़ा हींग या पाउडर वाला हींग होता है इस तरह से थोड़ा सा डाल देते हैं तो ये मसाले ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम कांच के बॉटल में स्टोर करके रखेंगे। ये मसाला यूज़ करके आप वेज और नॉन वेज की यम्मी यम्मी डिशेस बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स और लाइक करना ना भूले। हमारा सावजी मसाला बनकर रेडी है।